क्या हुआ? ये आदमी ना मेरी कमर पे छेड़ के गया है। अरे कुछ नहीं है, तुम ऐसा ही मैनेज कर रहा, चलो। अरे नहीं देखो तो सही। क्या है? कुछ भी नहीं है। आपका पति पीछे से आ रहा है, छुप जाओ। पति आ रहा है? ये क्या कह रहे हो आप, पागल हो गए क्या? छेड़ के नहीं गया, तेरे पीछे चिपका हुआ है। पीछे चिपका हुआ है? दिखा। जी देख, आपका पति पीछे से आ रहा है, छुप जाओ। अरे हाँ, ये तो मेरे पति की गाड़ी है, लेकिन ये कौन था? अरे हो सकता है कोई हमें बचाना चाहता हो। अरे क्या करूं क्या करूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इधर आओ इधर आओ, तुम इतने जल्दी चलो इधर आओ। ओह गॉड, क्या करूं मैं? अगर उन्होंने मुझे देख लिया हम तो मर जाएंगे सच्चे में। यार बताना क्या कर रहा है। तुम इधर आओ इधर आओ। एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ और भिखारी बन जाओ, भीख मांगो बैठ के। अगर उसने मुझे देख लिया ना, अरे तुम ना पागलों की तरह करो, पागलों की तरह और मांगते रहना, ठीक है? और ये जूते तो छुपाओ, ये अगर वो आ गया ना तो पूरा हो जाएगा यार, हम कभी मिल भी नहीं पाएंगे। कुछ दे दे। ये लो कुछ खा लेना। साक्षी? राहुल आप यहाँ? साक्षी तुम यहाँ? तुम तो कह रही थी कि मुझे बहुत तेज बुखार है और आज मैं पूरे दिन घर रहूंगी और पूरे दिन आराम करूंगी, और तुम यहाँ? और तुम इस भिखारी के साथ कर क्या रही हो यहाँ? ये तो पागल है। अरे हाँ, वो मैं घर पे ना बोर हो रही थी, तबीयत तो मेरी अब भी खराब है, मैंने सोचा थोड़ा घूम आती हूँ। ये भिखारी मिल गया, इसको भूख लग रही थी तो मैंने पैसे दे दिए इसको। आप कहाँ जा रहे हो इधर से? सुबह आपने मुझे एक कप चाय बनाने से मना कर दिया कि आपकी तबीयत खराब है, आपको मेडिसिन की जरूरत है, कि आज मैं पूरे दिन घर आराम करूंगी और आप चले जाओ मेरे घर से निकलते ही, और आप इस ड्रेस को पहन के यहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ पे ऐसे शक कर रहे हो, मेरा तो थोड़ा सा मन किया बस मैं आ गई। अरे भैया तुम कौन हो, उठो यहाँ से मेरे बिस्तर से। अरे मैंने तो 10-12 साल से मेरा किया है, उठो यहाँ से। अरे आपने तो मेरा अखबार भी बिगाड़ दिया है। आप कौन है? ये मेरा भैया ठिया है। अरे भैया खड़ा तो हो, तू मेरे बिस्तर पर कैसे आया? खड़ा हो पहले। अरे 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 बाबूजी, आप कैसे आए हैं? क्या कहा बाबूजी? आप जानती हो इनको? हाँ हाँ साहब, मैं जानती हूँ इन्हें, इनकी तो बहुत बड़ी कोठी है। हाँ भाई खड़ा हो, कौन है तू? ये जो तू नाटक कर रहा है भिखारी का, पागलों का, है कौन तू? वो तो तेरे हुलिया से ही लग रहा कि तू भिखारी नहीं है ना, तू पागल है। और तू जैसे पैसे दे रही थी, तेरा यार है ना वो। अरे नहीं राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे क्या पता ये लोग दोनों ही कौन है, ये मैं तो इधर से जा रही थी, इन्होंने पैसे मांगे मैंने दे दिए, मेरा क्या मतलब है इनसे? अगर कोई भूखा है और मुझसे कोई पैसे मांगेगा भूख के नाम से कि मुझे रोटी खानी है, मुझे भूख लग रही है, तो मैं दूंगी नहीं, मैंने पैसे दे दिए, इसमें मेरी क्या गलती हो गई? ऐसा कुछ नहीं है राहुल, तुम कैसे सोच रहे हो मेरे बारे में? मैं जानता हूँ तुझे, शक तो मुझे तेरे पे पहले से ही था, लेकिन आज तूने मेरा शक यकीन में बदल दिया। तेरे इस यार को देख के अब तेरी मेरे दिल में तो दिल में, मेरे घर में भी तेरे लिए जगह नहीं है। वो चली जाए सब मुंह को लेकर, जिंदगी में मेरे घर की धेड़ी पे पैर न धर दिए। जो आदमी चरित्र का खराब होता है ना, वो कभी नहीं मान सकता दुनिया में। सुबह तुझे इतनी तेज बुखार था, तूने बताया कि मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार है, और तू मुझे एक कप चाय नहीं दे सकी बना के, और मेरे घर से निकलने के बाद तू यहाँ इस यार के साथ रंगरलिया मनाने जा रही होटल में। नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो आप? बस बस, सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों क्या सोच रहे? ये देख रही तू, वो जो तुम्हारी कमर पे चिपका के गया था ना, वो मेरा ही आदमी था। तुम दोनों अपने से बड़ा अकलमंद नहीं समझ रहे ना किसी को, जो वो चिपका के गया ना तेरी कमर पे, वो मेरा ही आदमी था। शक तो मुझे तेरे पे और इस पे पहले दिन से ही था, लेकिन आज वो यकीन में बदल गया। शर्म तो नहीं आई होगी तुझे, किस चीज की कमी भाई? और एक बात और सुनो, मैं तो आपको जानता नहीं, इसने बताया कि तुम्हारी 500 गज की कोठी है, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई? एक बात तो सोच, जो औरत
अपने पति की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी। यो मुझे भी धोखा दे रही और तुझे भी धोखा दे रही। यो तेरे शाम तक 20-30 हजार रुपए में आग लगवा देगी और सांझ को जाकर मेरी बगल में बैठ जाएगी। अरे एक बात और सुन, तू भी घर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राहुल, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है और मुझे पता चला ये इसी शहर में रहता है, इसीलिए बस मैं इससे मिलने आ गई थी। बेगैरत, बेहया, शर्म तो नहीं आई तुझे? जो तन्ने रंग रलिया इसके साथ कॉलेज टाइम में मनाली, आज तक भी चैन नहीं पड़ी, आज भी तुझे इसके प्यारी याद आ रहे कि ये इसी शहर में रहता है, मैं इससे मिलने चली आई, तो इसी का घर रह लेना जाके। लेकिन मुझे माफ करो। अरे एक बात और सुनो, मुझे तो माफ करो और रो इसी के साथ। राहुल सुनो, राहुल प्लीज सुनो तो सही, राहुल सुनो।